हाय एचएस कम्युनिटी, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, आज आपके रिव्यूज लेके आई हूँ, एचएस कम्युनिटी के रिव्यूज लेके आई हूँ, क्योंकि आज का एपिसोड था ही बड़ा मजेदार। सभी शेड्स थे, ममता थी एपिसोड में, रोमांस था बहुत बढ़िया वाला, और दोस्ती के नाम पे भी बहुत कुछ था। तो मजेदार एपिसोड और आपके रिव्यूज भी। तो चलिए सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं एबिगेल के वीडियो से। नमस्ते अंजू जी, और मेरे सब दोस्त को मेरा नमस्ते। अंजू जी, आपके फीडबैक के लिए धन्यवाद, और मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए और इनकरेज करने के लिए भी धन्यवाद, और मेरा वीडियोस सब मेरे फ्रेंड्स मेरा वीडियोस और मेरा रिव्यूज़ पसंद करने के लिए धन्यवाद, और मेरा मुझे कमेंट्स करने के लिए। और मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है, और इंश्योरेंस का भी अभी चल रहा है, डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी करना पड़ता है उससे पहले। तो थैंक यू, आप सब लोग मेरे साथ दिए थे। और महिमा जी, मैंने आप को पूछा था कल अपने वीडियो में, आप ठीक है। मनीषा जी, अच्छा लगा आप वापस आए। और टीना जी, धन्यवाद मुझे अपने वीडियोस में मेंशन करने के लिए। आज का एपिसोड मुझे अच्छा लगा, स्पेशली आद्या और अनुपमा का सीन, जो मदर एंड डॉटर का बहुत ही प्यारा सीन था। तो शुरू होता है अनुपमा के कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो लोग पूछते हैं कि उसके पर्सनल लाइफ के बारे में, उसके टू मैरिजेस। फिर अनुपमा बहुत अच्छा से संभालती है प्रेस कॉन्फ्रेंस को, ब्रेवली संभालती है, और बोलती है कि चटपटा न्यूज़ मत बनाओ, अच्छे न्यूज़ बनाओ, मेरे इनकॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में पूछो, और मैं यहाँ कैसे पूछी, कैसे ओनर बनी उसके बारे में पूछो। और फिर अनुज के बारे में भी बोलती है कि उसने उस सपोर्ट किया, बा भी सपोर्ट किया, सबके बारे में सपोर्ट किया। तो अनुज को भी अच्छा लगा, लेकिन वनराज जैसे हमेशा उसका ना मुँह चलते रहता है, उसका मुँह से कभी कुछ अच्छा ही नहीं निकलता है। फिर बा को भी अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा। फिर अनुपमा और दीपू सामने आते हैं, फिर थोड़ी ऑकवर्डनेस होते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, और फिर वो रिंगटोन बजाते हैं, फिर बोलती कि कल मिलते हैं। फिर अनुपमा, अनुज बहुत टेंशन में रहता है कि उसने क्या जवाब दिया, अनुज क्यों इतना हाइपर हो रहा है। अनुपमा तो कितना क्लैरिटी है उसके लाइफ में, वो सब चीज़ में बहुत क्लियर है, और अनुज ही कन्फ्यूज हमेशा रहता है। क्या उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है अभी? हाँ, अनुपमा तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे आ सकता है जबकि आपके पास फियांसी है, और बेटी के बारे में मेरी बेटी बोलते रहते हैं अनुज, फिर भी अनुपमा को चाहिए क्या? अनुपमा अपना ज़िंदगी के बारे में सोच रही है, ओके। फिर अनुपमा वो घूमते रहते हैं, अनुज उसने एक्सेप्ट किया होगा या नहीं किया होगा रिंग दीपू से। जब अनुपमा आती है तो देखती है कि अनुज परेशान है, पूछती है क्या हुआ अनुज, क्यों परेशान है, कुछ बात है? तो वो घुमा देते हैं, नहीं तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा से हैंडल किया, मैं केक लेके आई सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन तू खा के आए होंगे, और यू नो बात को घुमा रहा है पूरा। और अनुपमा समझ गए, और अनुपमा बोल रही कि क्या हुआ, फिर बोलता है कि मैंने यू नो मुझे पता है कि अनुज सॉरी दीपू प्रपोज कर रहा है, रिंग लेके आया, और मैंने जानबूझ के पूछा नहीं, मुझे पता चला दीपू ने खुद बोला है। तो यू नो घबरा के बोल रहा है, क्यों इतना घबरा रहा है, सीधा बोल देना मुझे दीपू का रिंग मिला है और दीपू ने बताया, यही है प्रॉब्लम अनुज का, सीधा सीधा बोल ही नहीं सकता है। फिर अनुपमा बोली, पूछता है अनुपमा को, क्या बोले तूने दीपू को? फिर अनुपमा बोली, मैंने बोला सिर्फ दोस्ती रखना। फिर पीछे से डांस कर रहे, खुशी से मारे, डांस करके क्या फ़ायदा, अपने जी अपने लाइफ को सॉर्ट करो ना पहले अनुज, अनुपमा की लाइफ तो सॉर्ट है या? फिर अनुपमा केक लेके जाती है अपने रूम में, बोलता है जाओ रेस्ट करो। फिर अनुपमा अगले दिन वो आद्या के कमरे में जाते, देखते आद्या पेन में रो रही है, फिर वो आती है बाजू में, तो आद्या अभी उसको मेंस्ट्रुएशनल साइकिल आया है, पीरियड्स स्टार्ट हुआ है, और वो सीन बहुत प्यारा था, अनुपमा कितना अच्छे से उसको समझा रहा है। और ये हर माँ के लाइफ में आती है, और उनकी बेटी के लाइफ में भी आती है, और
आजकल स्कूल्स में पढ़ाते हैं तो बच्चों को थोड़ा बहुत पता चल जाता है, बट घर में उनको मम्मी ही होती है जो समझा सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरीक़ा से ये सीन, बहुत बहुत ब्यूटीफुल सीन था, और इनक्रेडिबल एक्टिंग अगेन रूपाली जी का और आरा भटनागर की, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, मुझे बहुत प्यारी लगी। और वो गाना गाती है उसको सुलाने के लिए, जब वो बहुत पेन में, पहले आद्या बोलती नहीं श्रुति संभालेगी, लेकिन फिर भी पेन में रहती है, तो उसको माँ ही चाहिए, अनुपमा ही चाहिए। श्रुति थोड़ी कर सकती है, अभी कर सकती है, पता नहीं करेगी या नहीं, बट अनुपमा ही कर सकती है। फिर उसको बहुत प्यार से यू नो सुलाती है, समझाती है सबके बारे में कि कितनी इम्पोर्टेंस है ये लाइफ में एक लड़की का या ये टाइम पे। और फिर उस यू नो लेके उसको सुलाती है और यू नो जाती है, तो वो सीन बहुत। और श्रुति श्रुति को ना बहुत रो रही है शायद जेलिसी से कि अनुपमा उसको लोरी सुना के सुला रही है। और प्री कैप पे जाता है, या फिर प्री कैप में जाता है, तो प्री कैप में अनुपमा ये रेस्टोरेंट में बोलती है कि ये आई नो माई प्राइज विन किया, तो मैं दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। जैसे वो इंटरव्यू में बोलती थी कि वो अपना रेस्टोरेंट और इंडियन का फूड का टेस्ट डिफरेंट कंट्रीज़ में यू नो खोलना चाहती है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कोई इंसिडेंट होता है, कोई वो पत्थर फेंकते हैं और आके प्राइस को लेके जाते हैं। मुझे लग रहा है ना इसमें कोई इन्वॉल्व है, इधर दीपू या श्रुति, या उसने अगर वो मिस्टर वोंग का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया होगा तो ऐसा कुछ। मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। अभी अभी अनुपमा लाइफ खुशी क्या कर रहे हैं डायरेक्टर्स, ऐसे खुश खुश रहने दो ना उसको अपनी सक्सेस में। और वो एक ही दिन सक्सेस और दूसरे दिन उसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम, ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अगर ऐसा ही करना है तो सीरियल बंद कर दो ना, इधर अनुपमा को अच्छे से सीधा से खुशी दिखाओ, नहीं तो वो दिखाओ ही मत शो। बस उतना ही है, मैं तो बहुत गुस्सा हो गई फिर से अनुपमा को प्रॉब्लम में देख के। आज के लिए इतना अंजू मैम, कल देखेंगे क्या हुआ है अनुपमा के लाइफ में फिर से कोई प्रॉब्लम। थैंक यू सब, लव यू ऑल, गुड नाइट। यही तो टेंशन है अभी कि अनुज के घर में अनुपमा की वो जगह नहीं है जो होनी चाहिए। तो अनुज खुश तो ऐसे जैसे अनुपमा को फिर से पा ही लिया हो, बट अनुज खुश है तो हमें अच्छा लगा, तो ये भी जगह बन ही जाएगी। बाकी आपका गुस्सा जायज है, बिल्कुल आपकी बात सही है कि इधर अनुपमा को तरक्की मिली, उधर अनुपमा को फिर से चैलेंज मिल गया। बट आपको एक बात बताऊं, अनुपमा के लिए ये चैलेंज बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अनुपमा प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेगी तो एग्जाम्पल्स कैसे सेट करेगी उन सबके लिए जो ऐसी प्रॉब्लम्स में से निकलती हैं। तो यही धारावाहिक है, यही तो है जिंदगी। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में, बताइएगा अभी अगर आप मुझसे सहमत है। तो बस यही कहना था आपके वीडियो के बाद, तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। हम में तो खैर हिम्मत है दर्द सहने की, आप बताइए, थक नहीं जाते जख्म देते देते? आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। अनुपमा का इंटरव्यू टीवी पर लाइव, वनराज जला भुना जा रहा है, अनुज बेहद खुश, वनराज की पोपो चालू, दो दो शादियों के बारे में प्रश्न कर दिया, अनुज को अच्छा नहीं लगा, और दीपू की ओवर एक्टिंग, अनुपमा ने तलाक की बात पर मोहर लगा दी, पत्रकार के प्रश्न का बहुत अच्छा जवाब दिया अनुपमा ने, क्या शादी ही सब मायने रखता है, औरत की परिभाषा क्या शादी तलाक ही है, अगर पूछना है तो जब वो अमेरिका आई तो किन किन चैलेंजेस का सामना किया वो पूछिए, कैसे स्ट्रगल किया वो पूछिए, बा का योगदान बताया, और एक्स पति अनुज कपाड़िया सर, उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई, स्पाइस एंड चटनी के सभी सदस्यों का नाम लिया, बाबूजी ने मेरा फॉर्म भरा, मैं अपनी पर्सनल जिंदगी की चाट नहीं परोसने वाली, अनुज को गर्व की अनुभूति, और बाबूजी काव्या का कटाक्ष, हिटाची वान का ऑफर आया था वो भी पूछा, उस पर कितना भद्दा बोला वनराज शाह, इसके मुंह में सच में बवासीर है, बाबूजी ने डांटा, और दीपू का इशारा अनुपमा को कि क्यों ऑफर ठुकराया, अनुपमा का जवाब अपने दिल की बात सुनी, स्पाइस एंड चटनी मेरा घर है, मेरा मंदिर है, कैसे छोड़ देती, मैं अपने भारत का स्वाद दुनिया के हर कोने तक पहुंचाऊं,
अनुपमा ने अपना सपना बताया। और रसोई जिनकी दुनिया है, उन गृहिणियों का हुनर मैं पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहती हूं। सब खुश, अनुज गदगद और शाह हाउस में पाखी वनराज को छोड़कर सब बहुत खुश हैं। अतिथि देवो भव, उसे अनुभव करने के लिए यहाँ जरूर आइए। अनाज का सम्मान कीजिए, उसको वेस्ट मत करिए, अनुपमा का कहना। वनराज जला भुना जा रहा है। क्या अनुज, तुम भी क्या क्या सोच रहे हो अनुपमा के बारे में? वो अंगूठी लेगी क्यों जो उतार कर पर्स में डाल देगी? रिंग की उधेड़ बुन के बीच अनुपमा आ गई। अनुपमा का कहना, आप ठीक हैं? उस पर बेचारा अनुज, अनुज बोले चला जा रहा है, अनुपमा देखे जा रही है। तब अनुपमा का कहना, कुछ कहना चाहते हैं? और अनुज के प्रश्न से हंसी आ गई। बेचारा क्या क्या बोलकर सीधे प्रश्न कर ही दिया। अनुपमा का जवाब सुनकर अनुज बहुत बहुत खुश। अनुज ऐसे खुश जैसे कोई जंग जीत ली हो। अब्बा को हमेशा अनुपमा काम के समय ही याद आती है। क्यों आ जाए वो पहले? तुम्हारे घर के काम का क्या ठेका ले रखा है उसने? पाकि फिर मरी जा रही है। अनुपमा आद्या के रूप में गई। छोटी परेशान है दर्द के कारण, छोटी को डर लग रहा है। फिर अनुपमा ने उसको अच्छे से समझाया छोटी को पीरियड्स के बारे में। अनुपमा ने बहुत अच्छे से बताया सब कुछ। और पाखी का नाम आते ही छोटी फुंकार मारने लगती है, बोली शुरू समझा देगी, उसको कुछ आता भी है जो वो समझाएगी। फिर अनुपमा ने समझाया कि लड़कियां बहुत स्ट्रांग होती हैं। अनुपमा को छोटी को लोरी गाकर सुनाना बहुत अच्छा लगा। श्रुति जल कुकड़ी जली भुनी जा रही है। अच्छा है, मरो ऐसे ही। और अनुपमा पैर भी दबा रही है आद्या के। और प्री कैप देखा, अनुपमा खुश हो रही है। तभी कुछ लोग आकर हो हल्ला कर रहे हैं और वनराज की पोपो शुरू। और दीपू का कहना, आपकी एक लापरवाही की वजह से सब बर्बाद हो गया। अनुपमा देख कर रह जाती है दीपू को। और अनुपमा को धक्का देकर ट्रॉफी लेकर लोग चले जाते हैं। ये क्या है? क्या ये सपना है या तोशु का कोई कारनामा है? सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। आप आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी, बढ़िया शेरो शायरी आपकी। और सही कहा आपने, प्रेस कॉन्फ्रेंस अनुपमा ने बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडल की है। तो ऐसे ही करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सच अगर आपके साथ हो तो कोई भी सवाल आपके लिए बिना जवाब का नहीं हो सकता, या आप उस जवाब में अटकोगे नहीं। तो बढ़िया था आपका रिव्यू, थैंक यू सो मच कुमुद जी। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू मैडम, मैं बलदेव जलंधरी। तो आज के एपिसोड में दो चीज़ें बड़े ही दिल को छूने वाली थी, बहुत ही टचिंग दो सीन मुझे लगे। एक तो वो जो सीन था जिसमें आध्या और अनुपमा का सीन था। तो आध्या जैसे जो इस दौर से अब गुजर रही है, एक बदलाव फिजिकली आ रहा है, तो वहाँ पे माँ की ही ज़रूरत थी, अनुपमा की ही ज़रूरत थी, और अनुपमा वहाँ पे मौजूद थी। और श्रुति साथ के रूम में बैठी, आंसू बहा रही है। अब भैया अब ये आंसू तो ज़िंदगी में बहाने ही पड़ेंगे, अभी भी संभल जाए तो ठीक है। तो खैर वो सीन बहुत ही टचिंग था। अब अनुपमा और आध्या की ये जो दूरियां हैं धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। और दूसरा जो सीन है मुझे बड़ा अच्छा लगा, अनुज का जो वापस आती है, वो परेशान है कि कभी कहीं ढिल्लो को हाँ तो नहीं कर दिया यशदीप को। तो जब आके उसको पता चलता है तो वो कन्फ्यूज़न, और बाद में जो बच्चों की तरह वो ऐसे खुश होता है, वो बड़ा ही सीन था। हालांकि अनुपमा ने उसको ये चीज़ कह दी वहाँ पे, एक उसने नोट नहीं की कि अब से मुझे दोस्ती के रिश्ते ही दिखने हैं। लेकिन उसको ये है कि चलो भैया उधर से तो हाँ नहीं कही है, चलो बाकी सब देखा जाएगा आगे। ये बड़े अच्छे थे। लेकिन जो आगे कमिंग अप में दिखाया है कि किस तरीके से, और भी बहुत सारी अपडेट आ रही हैं, और कमिंग अप में दिखाया है कि उसका वो छीन लेते हैं सुपर शेफ का, और किस तरीके से लोग पत्थर मारते हैं, और उधर वनराज भौंक रहा है कि मैंने कहा था कि इससे ये जो है ये संभाली नहीं जाएगी अनुपमा से। तो ये बड़ा ही दुख होता है ऐसी चीज़ों के, क्योंकि बार 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 अनुपमा को इस तरीके से की तकलीफ़ों से गुजरना पड़ रहा है। खैर वो शेरनी है, इससे भी निकल जाएगी और फिर से ये जो है वनराज वगैरह इनके मुंह पे थप्पड़ लगेगा। मैडम तो इतना ही आज कहना था, धन्यवाद। सही कहा बलदेव जी आपने, इस समय आध्या को अनुपमा की ही जरूरत थी। और वाकई आपकी बात 101% सही है,
कोई भी प्रॉब्लम हो शेरनी है अनुपमा, तो थैंक यू सो मच बलदेव जी, बड़े टाइम बाद आपका ऑडियो आया, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। अंजू मैम गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स, राधिका बीनू बोल रही हूँ। मैम थैंक यू सो मच, आपको मेरा अनुपमा का सीरियल के रिव्यू पसंद आते हैं, और थैंक्स गोज टू यू मैम, आपने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म दिया है, इसके वजह से हम एक एक दुनिया के एक एक कोने में भी रह के इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं सब। ऑल क्रेडिट गोज टू यू। एंड मैं और एक बात बताना चाहती हूँ, मेरा वॉइस एक्चुअली मेरे खुद को पसंद नहीं आ रहा है मैम, क्योंकि ये वॉइस मैं जब भी पहला ऑडियो दिया था तभी भी मैं शॉक रह गई, क्योंकि ये मेरा थ्रोट का ऑपरेशन हुआ था, उसके वजह से मेरा वॉइस बहुत चेंज हो गया है। एंड आई वॉज़ ए गुड सिंगर, मैंने क्लासेस भी गए हैं जब भी मैं कॉलेज में थी, पर मेरा ऑपरेशन की वजह से मेरा वॉइस इतना ख़राब हो गया कि खुद को मैं मेरा वॉइस पहचान नहीं पाती हूँ। अभी जब भी मैं आपके HS कम्युनिटी में ऑडियो भेजती हूँ, थोड़ा चेंजेस आए हैं मेरा वॉइस से, जैसा मेरे को लग रहा है। अगेन थैंक्स गोज टू यू ओनली मैम, एंड आई वॉज ए गुड सिंगर, बट अभी मेरा वॉइस इतना बेकार है तो गाना क्या गाऊंगी। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड अच्छा लगा मैम। आज का एपिसोड में जहाँ अनुपमा का इंटरव्यू होता है, तभी अनुपमा ने उन रिपोर्टर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया कि आप मेरे पर्सनल लाइफ छोड़ के मेरा स्ट्रगल लाइफ के बारे में पूछिए, क्या क्या स्ट्रगल मैंने झेले हैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। और उसने ये भी कहा, अच्छा लगा, कि शादी ही सब कुछ होता नहीं है। हाँ मैम, शादी ही सब कुछ सलूशन नहीं होता है, शादी एक पड़ाव होता है, अगर वो पड़ाव हम सक्सेसफुल नहीं हैं तो ऐसा नहीं कि दूसरी शादी करें तभी ही सक्सेसफुल होते हैं। तो शादी बहुत ही ज़रूरी तो नहीं है, एक सिंगल पेरेंट या सिंगल फीमेल हो के भी हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और यहाँ शाह फैमिली में जब भी अनुपमा का इंटरव्यू चल रहा था, तभी वनराज का बोलना, वनराज अपना बकवास बंद नहीं करेगा, उसका तो मुंह तोड़ देना चाहिए, बापूजी कितने भी टोके वो 1% का सुधार नहीं आता उस पर, और बा भी जिस तरह से बोल रही है कि ये क्या बकवास कर रही है रिपोर्टर, बा आपको क्यों मिर्ची लग रही है, क्योंकि जो भी कुछ है वो सच्ची तो बोल रही है। आप लोगों ने अनुपमा को, स्पेशली आपने कम तंग नहीं किया है, उसे तो अपनी माँ से भी मिलने के लिए भी नहीं देते थे, भले ही आपके घर के बगल में ही उनका, बगल रास्ते में ही उनका घर होते भी हो भी, वो उसके माँ को मिलने को जाने के लिए आपकी परमिशन और आपका टर्म्स एंड कंडीशन होते थे,
और तीज और त्यौहार में भी उनको बुलाए या ये गए तो अनुपमा और अनुपमा की माँ को आपने कम ताने नहीं दिए हैं, ये सब आप भूल गई हैं क्या? और अभी भी आपका बेटा इतना बदतमीजी से बात करता है, एक औरत हो के भी आप कैसे ये सुन लेते हो? समझ में नहीं आता है इतना क्या पुत्र मोह है आपको। आप माँ से पहले एक औरत थी, वो भी शायद आप भूल गई हैं। और यहाँ जहाँ पाकी का भड़कना, पाकी तो बहुत ही जलस फील करती है, सिर्फ उसको जबी पाने तक की उसको उसका क्यूरियोसिटी रहता है। जैसे अधिक के साथ शादी करना था तो भाग के जाके उसने जिद में शादी कर ली, और माँ भी बनने का है तो सिर्फ नाम के वास्ते उसको जस्ट माँ बनने का है करके बनी, नहीं तो 1% का ममता उस पर तो नहीं दिखता है जिस तरह से ईशानी से वो रूडली बात करती है। और दूसरों की खुशी से बहुत उसे जलन होती है, और दूसरा जो चाहता है वही उसको फिर पाने के लिए वो जिद करती है। बहुत ही बदतमीज़ और किस तरह की औरत है समझ में नहीं आता है। माँ बन के भी 1% ममता तो दिखती नहीं है उस पर। और यहाँ बीजी का कहना अच्छा लगा कि प्यार तो कम ज़्यादा होता रहता है पर दोस्ती वैसे ही रहती है। और यहाँ जब ही अनुपमा आती है, अनुज अपने आप से ही बातें करता रहता है, बहुत बेचैन, बहुत क्यूरियोसिटी रहती है उस पर कि अनुपमा ने क्या जवाब दिया रहेगा। वो इतना क्यूरियस रहता है तो अनुपमा को समझ में आ जाता है कुछ तो अनुज को पूछना है, तो वो डायरेक्टली पूछ लेती है कि आपको क्या पूछने का है बताइए। तो अनुज भी पूछ लेता है कि ऐसा ऐसा मैंने रिंग देखा था, और जिस तरह से वो सफाई देता है बहुत अच्छा लगा, जैसे अनुपमा से वो बहुत ही डरता हुआ है कि वो डांट खाना पड़ेगा अभी, कि बोलता है कि नहीं नहीं मैंने कुछ ये जानकारी नहीं ली, मुझे रिंग मिल गई थी नीचे इसलिए पता चला। तो अनुपमा का जवाब सुन के उसे बहुत खुश हो जाता है, जैसे कोई यंगस्टर्स को कोई प्रपोज करके एस कर दिया हो, उसे इतनी खुशी होती है कि जिससे उसने ही फिर से प्रपोज करके अनुपमा ने अनुज को प्रपोज कर दिया है। जैसा उसका बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है छोटे बच्चे की तरह। और यहाँ आद्या और अनुपमा का कॉन्वर्जेशन बहुत अच्छा लगा, माँ बेटी का जो कुछ भी आज इन दोनों के बीच में बातचीत हुई अच्छा लगा। आद्या को अनुपमा की सख्त ज़रूरत है इस टाइम पे, और अनुपमा ही आद्या को संभाल सकती है। श्रुति सिर्फ शू बन के रह सकती है, माँ कभी भी बन नहीं सकती है आद्या की। ये बात बहुत जल्द आद्या को समझ में आ जाएगी। और जिस तरह से आद्या अनुपमा के साथ बातचीत कर रही थी, उसके बाद उसे सडनली याद आता है कि मैं तो मम्मी से गुस्सा हूँ। ये नेचुरली सबके साथ भी होता है, जैसे हम भी किसी के साथ गुस्से में हैं, बातचीत बंद कर दिया है
और हमें कुछ लग गया या बीमार है तो वो हमें जिस तरह से ट्रीट करते हैं थोड़े देर के लिए वो हम नाराज़गी भूल जा, हमको याद नहीं रहता है, पर सडनली याद होता तो तभी फिर हम वही नाराज़गी दिखाते हैं। वैसे ही आद्या ने अनुपमा को दिखाया और अनुपमा का भी इतना अच्छे से एक्सप्लेन करना आद्या को बहुत अच्छा लगा। आजकल तो स्कूल में ये सब एजुकेट करते हैं, पहले पहले तो ये सब स्कूल में नहीं बोलते थे। आजकल का एजुकेशन भी थोड़ा एक वजह से अच्छा ही है, एडवांस्ड है कि ओपनली ये सब कुछ बात कर सकते हैं। और यहाँ जहाँ प्रीकैप में देखा कि अनुपमा को अनुपमा के वजह से कुछ तो हुआ है रेस्टोरेंट में, ये 100% तोशु का ही हाथ रहेगा इस पे। मेरा एक ये प्रेडिक्शन है कि वनराज ने भी भड़काया रहेगा और तोशु ने ही ये कांड कुछ किया रहेगा जिसके वजह से वो अनुपमा से बदला ले सके कि उसने अपने बेटे को ही वेटर का नौकरी दी। या ऐसा भी हो सकता है जो जॉब ऑफर आया था अनुपमा को उनके बिजनेस रिवाइवल ने, स्पाइस एंड चटनी के बिजनेस रिवाइवल ने जो जॉब अपॉर्चुनिटी दिया था अनुपमा को जो रिजेक्ट किया था, उसके वजह से भी हो सकता है कि उन्होंने तोशु को हायर किया है या तोशु खुद गया है उनके पास कि मैं आपको मदद करूंगा क्योंकि इतना नालायक है वो, तो ये ऐसा भी कुछ कर सकता है। या पाकी का फ्रेंड जो आयुष है उसके वजह से भी कुछ हो सकता है। ये दो तीन प्रेडिक्शन है कि ऐसा कुछ हुआ रहेगा जिसके वजह से अनुपमा के ऊपर ये मुसीबत आए। अभी जब भी थोड़ा बहुत और एपिसोड देखेंगे तभी एग्जैक्ट सिचुएशन मालूम पड़ेगा। आज के लिए इतना ही मैम, थैंक यू। थैंक यू राधिका जी इतनी एप्रिसिएशन के लिए। और आपने जो कहा है कि आपकी आवाज थोड़ी पहले से ठीक हो गई है तो आपकी आवाज और भी ज्यादा ठीक हो जाएगी क्योंकि ये डेली प्रैक्टिस होती है। जब हम माइक के सामने बात करते हैं तो हम अपने आप को भी सुनते हैं क्योंकि जब ऑडियो भेजते हैं तब भी और जब टेलीकास्ट होता है तब भी, तो हमें पता चलता है कि हमारी आवाज में फर्क पड़ रहा है। तो आगे भी आपकी आवाज में और फर्क पड़ेगा और आप फिर से बहुत अच्छा गाना शुरू करेंगे। बाकी आपकी बात मुझे सही में बहुत अच्छी लगी कि अनुज तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे दीपू ने मना नहीं, अनुज को अनुपमा के प्रपोजल में इंटरेस्ट आ गया हो, जैसे अनुपमा ने अनुज को आई लव यू कह दिया हो, ऐसे खुश हो रहा है। तो बढ़िया है आपका रिव्यू, बड़ी ऑब्जर्वेशन है आपकी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और उन सबको तहे दिल से थैंक यू जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है, रानी जी, एबिगल जी और ख्याति जी और महिमा जी, प्लीज़ टेक केयर। अंजू जी, मैंने आज का धारावाहिक देखा, अनुपमा की खुशी की उम्र बहुत छोटी है ऐसा मुझे लगता है कि जहाँ अनुपमा खुश होती है उसकी खुशी को वनराज ये तोशु या कोई भी आके उसकी खुशी को ग्रहण लगा देता है। उसकी कुंडली में हमेशा शनि राहु केतु बनकर ही ये लोग बैठे रहते हैं। आज अनुपमा पायसन चटनी से लौटते हुए आई, उस समय अनुज का उसके बार बार घुमा फिरा के पूछना उसे अच्छा से अनुपमा को समझ में आ गया कि ये कुछ पूछना चाहते हैं। तो अनुपमा ने उसे घुमा फिरा के पूछा तो बोलूराम ने कह दिया कि
तुमको यशदीप ने प्रपोज किया था तो तुमने उसका क्या जवाब दिया? अनुपमा ने कह दिया कि मैंने उनसे कह दिया है कि मेरे पास सिर्फ आपको देने के लिए दोस्ती है, और दोस्ती और यशदीप जी के मोबाइल की रिंगटोन भी आज हम सुनी, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, ये बहुत अच्छा लगा। और शायद ये स्पाइस एंड चटनी के पूरे स्टाफ को यशदीप जी की फीलिंग के बारे में पता है, तभी तो विक्रम जी ने उसके सामने यही कहा कि प्यार ना सही लेकिन दोस्ती तो है, बीजी को यही बताया। उधर वनराज का बकर बकर शुरू करना, बा उसके बारे में कि मीडिया के बारे में, मीडिया पे हमारी इज्जत, वनराज तुम्हारी इज्जत है भी क्या कि नहीं? खैर मुझे इस बात से कोई वो ज़्यादा नहीं हुआ है। और कल बात की नज़रों से अनुपमा गिर गई थी, लेकिन आज शादी के काम हैं तो काम वाली की ज़रूरत है, इसीलिए बा आपको अनुपमा की ज़रूरत है। क्यों? अनुपमा ने आपकी तारीफ़ की इसीलिए। बा आप तो गिरगिट को भी मात दे देती हैं। बा हर बात, हर पल में रंग बदलती हैं, हर पल में रंग बदलती हैं। और उधर आद्या की टीनेज की प्रॉब्लम के लिए अनुपमा ने उसको बड़े प्यार से समझाया कि इस तरह का होता है, हम लेडीज़ों को सबको होता है, ये सीन बहुत अच्छा लगा। पर जैसे ही उसने कहा कि छोटी तुम तब वो उठ के कहने लगी कि ठीक है, अगर ये माँ को ही करना होता है, माँ ही संभालती है, तो शुरू मुझे संभाल लेगी करके उठ के जाने ही वाली थी। और उसी समय उसमें दर्द होता है तो अनुपमा उसे अच्छे से संभालती है, अपने साड़ी के पल्लू से अनुपमा ने उस पे रखा और पल्लू, तो ये बहुत अच्छा सीन था। पर श्रुति का कुर्ना, श्रुति आप व्हीलचेयर पे बैठ के ये स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट जा सकती हैं अनुपमा की खुशियों को आग लगाने के लिए, वहाँ पर बस अनुज को पकड़े रखने के लिए या सबके सामने शो ऑफ करने के लिए कि अनुज सिर्फ मेरा है करके, तो क्या आप एक कमरे से दूसरे कमरे में व्हीलचेयर पर जाकर आद्या को नहीं संभाल सकती? और अनुपमा की लोरी का आवाज़ आता है गाने का तो आप कूड़ रही हैं, तो आपका हक छिन जाए ऐसा लगता है आपको, तो क्यों आप नर्स को बोलकर व्हीलचेयर पर बैठ के नहीं गई कि अनुपमा तुम जाओ अपना काम करो, मैं संभाल लूँगी? आप लोगों को सभी को, शाह हो या कपाड़ियाँ हो, काम के टाइम पे सबको अनुपमा की ज़रूरत होती है, बाद में सब दूध में से मक्खी की तरह अनुपमा को निकल कर फेंक देते हैं। और आज बापूजी ने वनराज को अच्छे से टोक दिया, और डिम्पी और काव्या ने भी कह दिया कि ये आप कुछ भी बोल रहे हैं। और पाखी का बारे में कल ही आपने बताया था अपने एक वीडियो में परसों कि पाखी बाबा पूजी पर पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालेगी, डिम्पी डिम्पी कर रहे हो, मेरी शादी के बारे में कोई सोचता नहीं है, पराई बेटी की चिंता है। तो क्यों पाखी तुम अपने कर्म भुगत रही हो ना, अपने नहीं अपने पिता के भी साथ में और अपने भाई के भी तुम लोग कर्म भुगतो। और अगर अंजू जी ये जो प्रोमो दिखाया जा रहा है ये सच हुआ तो हम सबका दिल टूटेगा, क्योंकि अनुपमा को हम खुश देखना चाहते हैं, ना कि किसी के धक्के मार के निकालने के लिए, तो देश का नाम बदनाम और ये सब। और आज मीडिया वालों ने पर्सनल सवाल पूछे, अनुपमा ने ना कहकर भी, और मीडिया वालों की बोलती है तो बंद कर दी अनुपमा ने अच्छे से। ये क्या है अंजू जी कि मीडिया वाले हमेशा इस तरह से आधी अधूरी जानकारी रखते ही हैं हमारे बारे में, और जैसे ही सेलिब्रिटी बनो तो वो उनके पास में आ जाते हैं। कल आने वाले प्रोमो में भी यशदीप जी को बुरा लगेगा अनुपमा लेट आएगी तो। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, थैंक यू।
थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए। और सही बात है, बहुत बार ऐसा हो चुका है कि बा कभी इधर कभी उधर, और आपने सही कहा कि गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलती है। मैंने तो बताया भी था कि गिरगिट को भी सामने देख के हंसी होती आती होगी कि ये तो मेरे से भी तेज है दोनों, बा और उसका बेटा वनराज, क्योंकि तो मेरे से भी ज्यादा रंग बदलते हैं। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, और मेरे सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। और अब आप कैसी है, और अभी जी अब आप भी कैसी है वो भी बताइएगा। अंजू जी, कल के आपके रिव्यू बहुत अच्छे थे, उसमें सबसे ज्यादा अच्छा मुझे अनुपमा के फैसले के बाद दीपू के दिल में बड़ा और सम्मान, दोस्ती हुई और पक्की। और आज का एपिसोड, सही कहा, जहाँ वो बचपन से रहकर बड़ी हुई, उसके बारे में पूछे, उसके सपने क्या थे, वो क्या बनना चाहती थी। हाँ, अमेरिका में आकर स्ट्रगल के बारे में पूछिए, कम पढ़ी लिखी अंग्रेजी में कच्ची पक्की हो है वो, यहाँ तक कैसे पहुंची ये पूछिए, वो यहाँ तक स्पाइस एंड चटनी की को ऑनर कैसे बनी ये पूछिए, जो मैं ये सुपरस्टार ट्रॉफी जीती हूँ तो उसमें बहुत लोगों का योगदान है, मेरी बा, मेरी एक्सास का बहुत बड़ा योगदान है, मेरे एक्स पति श्री अनुज कपाड़िया सर, एक राउंड में मेरी बहुत मदद की, फाइनल में जाने से पहले मैं डर गई थी, तब उन्होंने मेरी बहुत मदद की, मेरी हिम्मत बढ़ाई, स्पाइस एंड चटनी की के माँ समान बीजी मेरे बॉस यशदीप सर, केडी राहुल विक्रम भाई, इन लोगों ने प्रोत्साहित नहीं किया होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती, उन सब ने मुझे प्रोत्साहित किया यहाँ तक पहुँचने में। वाह बापूजी, सही कहा आपने, वो सबको सम्मान देती है, लेकिन आपके बीवी और आपके बेटे को कोसने के अलावा और कुछ नहीं करते। मिस्टर हिता चिवांग ने आपको अपने रेस्टोरेंट में सेफ की जॉब का ऑफर दिया था, लेकिन आपने वो ठुकरा दिया। यशदीप बीजी सब शौक है, जहां भी मुंह खुलेगा गलत ही बोलेगा, घटिया घटिया है, एक नंबर का वनराज, क्यों बताए बा, कोसना भी है और आपको बताएगी क्यों। सही कहा अनु ने, जिन लोगों ने मुश्किल में मेरा साथ दिया इसलिए अनु ने अपने घर को चुना, जो उसकी कर्मभूमि भी है। वाह अनु, बिल्कुल सही जवाब दिया, मैं अपने भारत का स्वाद पूरे भारत के हर कोने तक पहुंचाऊंगी। मैं अपने देश की गृहिणियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, उन गृहिणियों को हुनर को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहती हूँ। हाँ अनु, तुम्हारा सारे सपने पूरे होंगे। सी एंजॉय फूड, डोंट वेस्ट इट, डोंट वेस्टेज। वाह अनु, प्राउड ऑफ यू। सही कहा कि दीपू जी ने कि सब कुछ सीखना चाहिए। दीपू जी, आप अनु की बातों से नहीं जीत पाएंगे तो हार मान लीजिए। इस सच्ची दोस्ती को किसी की नजर ना लगे, वाह एक नंबर गाना था, इसी को कहते हैं जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। हाँ बीजी, दोस्ती हमेशा रहेगी। अनुज बस करो, इतना बेचैन होने की जरूरत नहीं है, बेचैन कपड़िया जी। अनु सिर्फ अनुज को देखे जा रही है। अनुज ने पूछ ही लिया कि मिस्टर ढिल्लो ने क्या जवाब, मिस्टर ढिल्लो को क्या जवाब दिया, मैंने किसी को भेजा नहीं था जासूसी करने, वो उनकी रिंग गिर गई थी, उन्होंने मुझे खुद बताया। वाह अनु, सही कहा, जीवन में जितने रिश्ते बनाने थे बना लिए, अब सिर्फ दोस्त बनाने हैं। अनुज को इतना खुश देखकर अच्छा लगा। कपाड़िया जी, वो सिर्फ आपकी है, आपसे प्यार करती है। बा को हमेशा काम के लिए ही अनुपमा की याद आती है, थोड़ी देर पहले आपके मन से दिल से उतर गई थी, अब क्या हुआ इतनी जल्दी अपनी बात से मुकर गई, आप जैसा एक ही पीस बनाया है भगवान ने।
पाखी नहीं सुधरेगी। तूने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, अब क्यों सिर पीट रही है? काव्या सुप सुप बोलो, आद्या फेस गर्ल्स प्रॉब्लम, माँ बेटी की बॉन्डिंग बेस्ट। अनुपमा के मुंह से पाखी का नाम सुनते ही आद्या अनु से अलग हो गई। कहीं ना कहीं आज भी आद्या अनुपमा को बांटना नहीं चाहती है किसी के साथ भी, पर यह गलत सोच है ना। अनुज ने ये नहीं सिखाया, ऐसे बच्चों को माता पिता को बताना पड़ता है। अपने भाई बहन के साथ ऐसा तो नहीं है कि आद्या ये सोचकर बैठी थी कि अनुज श्रुति से शादी करेगा तो श्रुति कभी माँ नहीं बनेगी, फिर तो ये इसकी गलत सोच है। अनुज को इसकी सोच बदलवानी चाहिए थी, सिखाना चाहिए था अनुज ने, कभी इसे किसी रिश्तों के बारे में बताया ही नहीं, समझाया ही नहीं। समझाया होता तो शायद ये ऐसी होती ही नहीं, सिर्फ इसकी हाँ में हाँ मिलाते रह गए, जो चाहिए उसे देते रह गए, बस उसे ज़्यादा कुछ नहीं। वही तो अनुज के हमेशा ही अनुज के इमोशन खत्म हो चुके थे तो क्या ही बताएगा, पर जैसे ही अनुपमा सामने आई सारे इमोशन जाग गए और चीज़ें बदलने लगी। अनु ने अपनी बच्ची को संभाला और समझाया भी, बहुत ही बेस्ट सीन था और वो भी बहुत प्यार से, माँ बेटी का प्यार। थू थू थू, इसको किसी की नज़र ना लगे, ये अनु ही कर सकती है क्योंकि वो तुम्हारी मम्मी है, दर्द में भी मम्मी ही याद आती है। कितने दिनों बाद ये लोग ये लोरी सुनी, वाह बहुत अच्छा लगा। श्रुति खुद को संभाल नहीं पा रही है पर अनुपमा आद्या के लिए कर रही है तो जलन हो रही है। ये श्रुति का प्यार नहीं स्वार्थ है, और वैसे भी ये आद्या को संभालती ही कब है, उसे कुछ होता है तो सीधा फोन करके अनुज को बुलाती थी। फिर भी अनुज के लिए ये परफेक्ट माँ थी, उनका मानना यही था कि श्रुति आद्या के लिए परफेक्ट माँ है और इन्होंने ही उसकी आदत बिगाड़ी है। उन्होंने कभी ये नहीं समझाया कि बच्चा यदि हम श्रुति से शादी करेंगे तो तुम्हारे भाई बहन भी होंगे, उसमें तुम्हें अपने माता पिता को बांटना ही पड़ेगा। जिस टाइम अनुज श्रुति से मिला था आद्या की जो हालत थी, कोई भी यही सोचेगा कि नहीं इसने मेरे लिए इतना सब किया है। और देखा जाए तो अनुज के सारे इमोशन खत्म हो चुके थे, उसकी बस एक ही प्रायोरिटी थी आद्या खुश रहे, उसके लिए उसकी जिद मानना, इसलिए वो उसकी जिद मानता गया। और श्रुति इस बात को अनुज की कमजोरी का अच्छे से फायदा उठाती गई, तब तक जब तक अनुपमा अनुज के सामने नहीं आई थी। कैप्टन परफेक्ट वो तो भोलू राम है, कुछ छुपा नहीं सकते, स्पेशली अनु से रिलेटेड हो तो छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। क्या पता ये सॉन्ग कपाड़िया जी पे परफेक्ट बसता है, बैठता भी है। झूठ बोलना आता नहीं है कपाड़िया जी को, अरे कपाड़िया जी कितने क्यूट है, क्यूट एंड भोले हैं आप। अनु ने अनुज को मीडिया के सामने रिस्पेक्टफुली श्री अनुज कपाड़िया सर कहा, बहुत अच्छा लगा कपाड़िया जी, इज सो क्यूट, क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है अनु के सामने। अनु के लिए अधिकार की भावना उफ उफ हो ही गया। डोंट वरी अनु आपकी ही है, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस अनुज कपाड़िया, काश ये रिस्पेक्ट ये रिएक्शन अनु की साइड से भी होते। इंजॉय दिस सीन, मैंने इंजॉय किया, उफ क्या खुश हुए हैं प्रीके। हो सकता है तोशु ने गड़बड़ तो नहीं किया, यदि तोशु ने कुछ नहीं किया तो इतना बुरा ड्रीम किसका हो सकता है, तोशु ने ही कुछ कांड किया होगा, या तो ड्रीम होगा या फिर तोशु और श्रुति की मेहरबानी होगी। ये प्रोड्यूसर वनराज को इतना करेक्ट क्यों दिखाते हैं, लाइफ स्पॉइल होगी अनु की। वनराज जब भी बोलता है कड़वा ही बोलता है। देखिए कपाड़िया जी, हम तो नहीं चाहते आप दुखी हो, लेकिन फिर भी एक सवाल तो है ना, भले ही एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन आपने श्रुति से सगाई कर ली है, तो इसके बाद अनुपमा का जवाब कुछ भी हो,
आपको क्या फर्क पड़ना चाहिए? आपको फर्क पड़ना चाहिए, आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर ले, लेकिन अनु अपनी लाइफ में कुछ ना करे, ऐसा क्यों? थैंक गॉड अनु ने किसी के एहसान के तले दबकर गलत फैसला नहीं लिया। अगर ऐसा करती तो बाद में यशदीप और भी हर्ट हो जाते, हर्ट होते, जैसे अभी बेचारी श्रुति हो रही है। अब अनुज को भी श्रुति को बोल देना चाहिए कि वो उसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ अपनी अनु का है और हमेशा उसी का रहेगा। ये सच है कि अनुज को समझना किसी के बस की बात नहीं है। मेरी अनु करते हैं, अनु दूसरी तरफ किसी और से एंगेजमेंट करके शादी के लिए खुद प्रपोज करते हैं, और अपनी एक्स पत्नी को कोई प्रपोज करे तो भी आपको बहुत टेंशन भी होती है। क्या चीज हो यार आप, और आज का रिव्यू एक बार फिर चुकानी पड़ी अनुपमा को अच्छाई की कीमत। इस बार दीपू नहीं अनुज होगा साथ। वैसे तो ये ड्रीम होना चाहिए, बट अगर नहीं है रियल है तो इस अनुज 2.0 को क्या हो गया, ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है? अनुज के तो कितने लॉस हुए हैं बिजनेस में अनुपमा की फैमिली की वजह से, बट उसने इस बात पर कभी ऐसे रिएक्ट नहीं किया। तुम क्या अनुज 2.0 बनोगे? दीपू तुम अनुज की बराबरी कभी नहीं कर सकते। श्रुति इतनी एजुकेटेड होकर गवारों जैसी हरकतें क्यों कर रही है? समझ नहीं आता है, खुद ही कुएं में गिरना चाहती है, फिर कहेगी मैं डूब गई। अभी भी वक्त है, खुद को हर्ट करने से बचा लो, वरना नहीं कर सकता। ये सिर्फ तोसु का ही कांड हो सकता है। एक बार अनुपमा ने कहा था मेरे 4 बच्चे हैं, तब वो कहता है 4 नहीं 5 है, तो अनुपमा नहीं समझी, बाद में समझ गई, ओ मेरा प्यारा बच्चा। वो 5वां बच्चा अनुज था, जो आज बच्चों की तरह नाच रहा था। और ये गाने दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, दांत से रेशमी डोर हटती कटती नहीं, बल्ला ये धड़कन कहने लगी है, डर लगता है तन्हा रहने में जी, दिल तो बच्चा है जी। ये गाना आज अनुज पे सूट कर रहा है, और ये गाना अनु की बर्थडे के एक रात पहले जब सरप्राइज देता है तब उन दोनों ने इस पे डांस की भी किया था। तो सच में आज का अनुज वाला सीन बहुत बढ़िया था। जब पहली बार अनु पर चोरी का इल्जाम लगा था तब भी छोटी ने नहीं माना था, और इस बार भी वो अनुज का और अनु सॉरी अपनी मम्मी का साथ देगी, और अनुज को भी कहेगी, अपने पापा को भी कहेगी कि आप मम्मी का साथ दो। मेरी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते, थैंक यू सो मच अंजू जी, गुड बाय एंड गुड नाइट। और मुझे लगता है छोटी ही अनुज को भेजेगी, अब 3A देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच ख्याति जी, और कॉलर ट्यून तो सच में सही सुनाई दीपू ने, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, क्योंकि अभी इसी के सहारे तो जिंदगी काटनी पड़ेगी, क्योंकि प्यार तो अनुपमा कभी कर ही नहीं सकती है। और अच्छा याद दिलाया आपने कि कैसे अनुज को 5वां बच्चा कहा था अनुपमा ने, और कैसे अनुज ने इसी गाने पे अनुपमा के साथ डांस किया था, दिल तो बच्चा है जी, बहुत अच्छा गाना है। तो थैंक यू सो मच ख्याति जी, आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी आज का शो बहुत ही था, बहुत ही फैंटास्टिक। हम लोगों ने कल ही कहा था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही सुपर डुपर थी अनुपमा की, वह बहुत अच्छे से हैंडल किया उन प्रेस वालों को, उनके ना गलत सवालों पे जो उन्होंने उसकी पर्सनल लाइफ पे कहा था कि 2 शादियाँ टूटी, उस पर अनुपमा ने बहुत ही लाजवाब उत्तर दिया। दिल खुश किया अनुपमा ने कि बहुत अच्छे से कहा कि भाई एक औरत की वो शादी को लेके ही बातें क्यों की जाती है, बाकी के रिश्ते भी होते हैं, बाकी का भी उसके दोस्त होते हैं, उसके सपने होते हैं, उसका करियर होता है, उसका सब वो होता है जो शादी के पहले होता है, उसके माता पिता भाई बहन सब होते हैं, उन रिश्तों पे क्यों नहीं बोला जाता। या फिर मैं यहाँ तक आई, मैं कम पढ़ी लिखी, मैंने मुझे इंग्लिश मेरी कच्ची पक्की, मैं यहाँ कैसे आई, यहाँ आने के बाद मुझे किस किन संघर्षों का सामना करना पड़ा, मैंने कैसे क्या किया, और आज इस मुकाम पर है तो किस वजह से,
क्यों तो ये पूछो तब, ताकि बाकी सारी औरतों को उससे हिम्मत मिले, उन्हें एक हौसला बढ़े, आगे एक कदम बढ़ाए, वो अपने लिए वो भी कुछ ऐसा मुकाम हासिल करे। बहुत सही बात कही आज उसने, बहुत ही बढ़िया। और सब लोग खुश रहे, उसे पता है भी कि मगर शादी, उसने यही कहा कि मेरा, मैं अगर यहाँ तक पहुँची तो मेरी पहली शादी से जो सास, मेरी सास ने मुझे रेसिपी दी, लिख लिख के उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ से जमा कलेक्ट किया, लिख के रखा और मुझे बताया ये, मैं इसलिए मैं आज ये जीती हूँ मैं। और मेरा, उसने ये भी कहा कि मेरे एक्स पति अनुज कापाड़िया, श्री अनुज कापाड़िया, बहुत अच्छे से इज्जत के साथ नाम बताती वो, और उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। जब मैं हार गई थी, मैं थक गई थी, मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, मैं डर गई थी, जो भी उसने कहा, तो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, उन्होंने मुझे हिम्मत दी। बहुत सही बात, आज अच्छा लगा, बहुत अच्छे से हालात को हैंडल करना अनुपमा को आता है, अनुपमा ने करके दिखाया, बहुत अच्छा लगा। सबसे बहुत अच्छे से बात की और कहा कि मुझे अगर आप इस शो से रिलेटेड बात करना है तो ही मैं बोलूं, यानी सॉरी, इस जो कॉन्फ्रेंस जिसके लिए बुलाई, पर्सनल बातों पर मैं बिल्कुल जवाब नहीं दूंगी। बहुत अच्छी बात कही, खुश है, सब तालियां बजा रहे। वनराज का मुँह चुप हो गया, भाभी खुश हो गई। और इधर फिर वनराज का, सॉरी, अनुज के घर आती, यहाँ पे वो रेस्टोरेंट में और भी दिखाया थोड़ा सा सीन, यशदीप और अनुपमा की बातें, वो जो बातें उनकी होती है कि वो हिसाब की कमी, यानी कहता है कि तुम अभी अभी एक कहते हैं पार्टनर हो तो तुम्हारा काम बढ़ जाएगा, हिसाब किताब में भी देखना पड़ेगा, किचन भी, तो वो कहती है नहीं मैं किचन संभालूंगी, आप हिसाब किताब संभालिए, बांट लेते काम। वो कहता है कि नहीं जरूरी है, ये भी तो सीखना चाहिए तुम्हें, और ये भी ध्यान रखना है तुम्हें। और उसके बाद वो भी कहती है कि आपने भी किचन में देखना चाहिए ना, वो भी तो आपको पता होना चाहिए। तो दोनों की ये बातें कहीं ना कहीं कुछ तो है इस बातों से लेकर जो हम प्रोमो देख रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इस बातों में लॉजिक है। तो यहाँ पे और शाह उसमें दिखाते हैं कि शाह उसमें पाखी का चिड़ना, कि उसको लगता है कि सब डिंपल की खुशी अपने सब इसमें लगे, मेरी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं, उसकी शिकायत। अब ये बात काव्य सुन लेती तो काव्य बोलती है पाखी की डिंपल के लिए जलसी, इनकी शादी के लिए, और वनराज तो पहले से ही तलवार लेके खड़ा है, तो कुछ तो वो पता नहीं इनकी शादी में कुछ रुकावट ना है। तो यहाँ भी मुझे लगता है कुछ तो होने वाला है, तो टीटू के लिए, टीटू के साथ, कि टीटू का कोई ऐसा पास्ट होगा जो बहुत बड़ा नहीं होगा, पर वो बताना चाहता है इससे, डिंपल को बताना चाहता है वो, पर बताना मौका नहीं मिल रहा है, पर ये बात पहले ही वनराज को पता चल जाती तो वनराज गेम खेलेगा। यहाँ पे दोनों के बीच में हमने देखा कि दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट भी हो रहा है, दोनों लड़ाई करते हैं इस बात को लेके, तो वो देखते कैसा होगा आगे। यहाँ पे अनुपमा अनुज के घर आई तो अनुज पहले से परेशान है कि अनुपमा अभी आई नहीं, और वो क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा उसके, क्या कैसे पता चलेगा, वो अपना चक्कर लगा रहा है रम में। अनुपमा आती है तो कहते सोए ने आप, तो कहते नींद नहीं आ रही, तो अनुपमा समझ जाती है कि कुछ कहना चाहता है अनुज, तो बोलते बोलिए क्या पूछना चाहते, पूछिए। वो जैसे तैसे पूछ ही लेता है, सफाई भी देता है, बड़ा अच्छा लगा, क्यूट सा लगा वो, क्यों सफाई भी देता कि मैंने कहीं पता नहीं किया, यशदीप ने मुझे बताया, जो भी है, सीन अच्छा लग रहा था दोनों का। अनुपमा ने उसे जवाब दिया कि मैंने यशदीप सर को जवाब दिया कि मैं अभी कोई रिश्ता बनाना नहीं, रिश्ते कोई बनाना नहीं चाहती, जितने रिश्ते बनाना था बना चुकी, अब सिर्फ दोस्त बनाना चाहती हूँ। तो अनुज का तो खुशी का ठिकाना नहीं, जैसे अनुपमा ने डिश उठाई और पीठ घूमी उसकी, तो अनुपमा अनुज तो वो तो डांस करने लगा भाई। आज बोलना पड़ेगा अनुज के लिए, हैशटैग छोरा पागल थी गए हो। सच में अनुज, उसके पहले लग रहा था कि ये सदमे में पागल हो जाएगा, और अभी ऐसा लग रहा कि खुशी में पागल हो जाएगा, खुशी का ठिकाना नहीं, जैसे इसे एक जंग जीत ली भाई। तो चलो अच्छा लगा, पर अनुपमा के आंख में आंसू दिखे मुझे, वो उदास देख लगी थोड़ी, क्योंकि रिश्ता उसका भी अनुज के साथ, वो भी खुश नहीं है ना, मेरे प्यार तो करती है, तो शायद अनुज के लिए दर्द हो रहा है या फिर किसके लिए पता नहीं, पर उदास लगी मुझे वो। उसके बाद वो आद्या के रूम में जाती है, आद्या के रूम में जाती है तो देखती है उसकी तकलीफ है। आज वो माँ बेटी का सीन, रियलिटी बात कही आज, बहुत सही बात कि ये जो वक्त होता है एक लड़की के साथ, तो बहुत सही दिखा है। मेरी सारी फ्रेंड्स को वो सीन अपने लिए याद आएगा, अपना समय याद आएगा, क्योंकि हम में एक बेटी और एक माँ दोनों हैं, तो हम दोनों ही
अनुभव से गुजरे, हम दोनों ही हालातों से गुजरे, जब हम बेटी थी तब और जब हम माँ बने तब अपनी बेटी के लिए। तो हाँ, वो बात सच में दिल को छूने वाला था, बहुत सही था। आद्या को बहुत अच्छे से एक माँ ही समझा सकती सच में, और माँ से ही वो फ्रीली बात भी कर सकती एक बेटी। बहुत अच्छा लगा, उसने शू का नाम बीच में लिया पाकी का नाम सुनते, पर वो जा नहीं पाई। अनुपमा ही समझ सकती थी उसको, लोरी दे के सुलाना वो भी बहुत अच्छा था, बहुत सही, बहुत अच्छा लगा वो सीन। तो मुझे बहुत इमोशनल कर गया भाई, मुझे तो बहुत मजा आया वो सीन देख के। अच्छा लगा कि एक कदम पर पा, हाँ अभी श्रुति का भी जलसी उसकी, वो भी लोरी सुन के अनकम्फर्टेबल फील हो रही है, करे तो क्या करे। श्रुति थोड़ा समझना चाहिए, श्रुति ने अपने लिए थोड़ा सोचना चाहिए, खुद का लिए नुकसान कर रही वो। अभी रिकैप में दिखा रहे, रिकैप तो सबसे डेंजर बाबा, मैं तो देख के हैरान होगी कि ये क्या दिखाए। पर जैसे ही देखा, देख रही थी तो मैंने कहा तोशु का ही कुछ ना कुछ कांड है आया। तोशु का नाम सबसे पहले जुबा पे आया तो देखा कि, पर यार थोड़ा सा लगता है कि जब आद्या के साथ थी अनुपमा तब भी यही साड़ी थी, जब वो रेस्टोरेंट गई, हमने जो कल देखा था भी, जो दीपू दीपू वाला सीन आएगा कि वो नाराज होगा और फिर अनुज का कॉल आएगा, वो अनुज से कॉल पे बात कर रही होती है, फिर तोशु का भी आना तब भी वही साड़ी, फिर वो घर जाती है वापस, वो भी एक सास बहू साजिश में दिखाया कि यार तोशु को जॉब वेटर बनाया। अब वो उनको जो टिप मिलती है रेस्टोरेंट में, तो वो टिप पूरा अपने पास पैसे रखते हैं, टिप के पैसे अनुपमा देख लेती है और उसको कहती है कि इसमें बॉक्स में डालो, ये तुम्हारा अपना नहीं है, रेस्टोरेंट का पैसा है, यहाँ तुम ये अपने खुद के पास नहीं रख सकते, उसे ये बात कही। और फिर वो तो गुस्सा है, वो तो भाई कुछ ना कुछ काम करेगा, जानबूझ के इसने उसे एक लेडीज पे, कस्टमर है उस पर पानी गिराया, बॉटल से धक्का दिया उसका, पानी गिरा उस पर, वो चिल्ला पड़ती है, बहुत गुस्सा आती है। अनुपमा देख लेती वहीं पे, अनुपमा किंजल और परी के साथ होती है, तो अनुपमा वहाँ देख के उससे माफ़ी बहुत मांगती है, बहुत मिन्नतें करती है, तोशु माफ़ी नहीं मांगता है, अनुपमा तोशु की तरफ भी देखती है, अनुपमा बहुत माफ़ी मांगती है उससे। तो यहाँ मुझे शक गया कि तोशु ऐसा कुछ तो भी और गड़बड़ गड़बड़ करेगा, शायद इसी से परेशान होकर अनुपमा ने ये सपना देख लिया, या फिर इस बात को लेके शायद यशदीप भी गुस्सा कर सकता है कि ये क्या है, यानी बरसात, जाहिर सी बात है कि बुरा असर पड़ता है कस्टमर पे इन सब बातों का। तो अनुपमा शायद ये सोच रही है, या तो अनुपमा का सपना ही है कि, क्योंकि सेम साड़ी सेम वो, और जब वो रेस्टोरेंट से बाहर आती है ना, तो यानी ये एक बात का होगा शायद ऐसा। फिर और ये भी दिखाते कि रेस्टोरेंट से जब अनुज के फिर वापस आती है तो सेम वही साड़ी में, और खुश दिखती है वो, अपने आप में बात करते आती है, अनुज देख लेता है कि अनुपमा आ रही है। श्रुति और अनुज शायद आद्या के बर्थडे को डिस्कशन करते हैं वो बताया गया, तो अनुपमा कहती है कि आद्या का बर्थडे में केक बनाऊंगी, तो श्रुति को पसंद नहीं आती है बात, पर वो कहती है ठीक है बना लो, पर आद्या को पसंद आना चाहिए, आद्या पसंद नहीं करेगी, तो कहती है मैं देखूंगी बना लूंगी जो भी, अनुज कहता कि बना लो। दोनों को पुरानी यादें आती है आद्या को लेके, उनकी बातें होती तो श्रुति बहुत परेशान हो जाती है, वो परेशान रहती थी। यहाँ मुझे एक और लगता है कि जो उसने ड्रेस पहना है, श्रुति ने जो ड्रेस पहना, आद्या सोफे पे बैठा ही दिखी है, वो भी थोड़ा उसके हाथ में मोबाइल वो देख रही है, उसका ड्रेस, इनका अनुज जो ड्रेस पहना है वो सब ये सब जो दिखाया, प्रोमो दिखाया, वो सब जो टीवी पे न्यूज यानी पढ़ रहे हैं वो देख रहे हैं। तो यहाँ मुझे वही कहना है कि अगर ये सोमवार से दिखा रहे तो ये एक ही दिन का सीन है सब। हाँ, तो मुझे इसलिए लग रहा है कि प्रोमो में पूरा इसे प्रोमो है, दिखाने के लिए दिखाया ऐसा मुझे लग रहा है, सोमवार से दिखाना चाहते हैं, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि प्रोमो है, प्रोमो के लिए दिखाया होगा, कांड तो है तभी तो ये प्रोमो आ रहा है, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे तोशु का ही कुछ होगा, जो उसको आद्या को, अनुपमा को 10 बार सुननी पड़ सकती है, अनुपमा को अपने बिजनेस पे लॉस होते हुए दिख सकता है तोशु की वजह से, तो यहाँ वो आगे तक सोच लेगी या सपना इस टाइप का मुझे लग रहा है, पर देखते हैं आगे। या श्रुति भी देख सकती है, श्रुति और तोशु भी मिल सकते हैं, क्योंकि अनुपमा को अब ये कुछ ना कुछ तो तरीके से हराने की कोशिश, क्योंकि अनुपमा और अनुज पास आ रहे हैं ना, उनके बीच में नज़दीक है, जो वो आए नहीं है अभी, पर श्रुति आपको ऐसा लगता है, तो यहाँ ये एक लगता है मुझे कि श्रुति भी मिल सकती है भाई तोशु से, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि श्रुति का फिर गलत क्या दिखाएंगे, कैसे अनुज श्रुति को छोड़ेगा, क्योंकि नहीं छोड़ेगा आद्या को छोड़ेगी, जिम्मेदारी है अब उसके माता पिता नहीं है, तो ये भी बड़ा मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं श्रुति को गलत दिखा सकते हैं, तो यहाँ इस टाइप का हो सकता है मुझे लगता है, पर देखते हैं आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच वर्षा, बढ़िया ऑडियो, श्रुति का तो सच में अब
समझ ही नहीं आ रहा, सिर्फ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ उसको शॉर्ट्स देती है और घर चली जाती है, एक रोने धोने का एक्सप्रेशन और घर चली जाती है। गलत दिखाएंगे सही दिखाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि हम लोग अंदाजे तो बहुत लगा रहे हैं कि अब जो हुआ है श्रुति के कारण हुआ है या कैसे भी, बट अभी तक मैं क्लियर नहीं हूँ कि श्रुति का करेक्टर का ग्राफ क्या दिखाएंगे, तो वैसे ही लग रहा है, तो देखते हैं क्या आता है श्रुति के हिस्से में। थैंक यू सो मच वर्षा, आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को भी नमस्ते, मैं रेखा सक्सेना बोल रही हूँ। आज के एपिसोड की शुरुआत प्रेस कॉन्फ्रेंस से होती है, जिसमें मीडिया वाले अनुपमा से उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बेहुदा सवाल करते हैं। अनुज और यशदीप दोनों परेशान हैं, लेकिन वनराज यानी अंश का पै 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 वाला खिलौना फिर बजने लगा। जब प्रेस वाले पहली ससुराल के बारे में पूछते हैं तो बा और वनराज भड़क जाते हैं। बाबूजी शांत होने पर कहते हैं तो वनराज ने कहा कि कैसे शांत हो जाएं? ऐसा करो वनराज, सड़क पर खड़े होकर खूब शोर मचाओ, खूब चीखो चिल्लाओ, इससे ज़्यादा तुम्हारी औकात भी नहीं है। लेकिन अनुपमा अपने तरीके से बिना प्रेस वालों को नाराज किए बहुत बढ़िया जवाब देती है और साथ ही कहती है कि मैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी की चाट आपको नहीं परोसूंगी। अनु कहती है कि मेरी सक्सेस का राज पूछिए, औरत के सपने, सपनों को पाने की मेहनत, उसके बारे में बात कीजिए, यानी मेरी पूरी जर्नी के बारे में बात कीजिए। न्यूज़ चैनल है तो आप सिर्फ न्यूज़ दिखाएं, महिलाओं का सम्मान दिखाएं। साथ ही वो अपने नाम को, सबके नाम को क्रेडिट देती है, सबसे पहले बा का नाम, और बा खुश हो जाती हैं, बाबूजी गर्व से देख रहे हैं, सब खुश, लेकिन वनराज दुखी। फिर वो अनुज को क्रेडिट देती है कि उन्होंने फाइनल राउंड में मेरी अगर हिम्मत ना बढ़ाई होती तो मैं नहीं कुछ कर सकती थी। फिर माँ समान बीजी, यशदीप सर, बाबूजी, केटी, विक्रम, राहुल आदि का बड़े फक्र से नाम लेती है। ऐसी है हमारी अनुपमा, वो हर किसी के क्रेडिट को सम्मान देती है, चाहे वो क्रेडिट छोटा सा ही क्यों ना हो। जब पत्रकार हिताची वैंग के ऑफ़र की बात करते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये बात उसने किसी को नहीं बताई, और वनराज की पैपे फिर शुरू हो जाती है। यह वनराज इतना बेशरम क्यों है? झाड़ खाता है फिर भी एलिगेशन लगाने से बाज नहीं आता। अनुपमा कहती है कि स्पाइस चटनी उसके लिए उसका घर, उसका मंदिर है, उन्होंने मेरा मुश्किलों में साथ दिया तो मैं उनको कैसे छोड़ती। बहुत अच्छे संदेश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाती है। फिर अनुपमा और यशदीप अपनी दोस्ती, अपना बिजनेस, अकाउंट्स, रसोई, सब के बारे में बहुत दोस्ताना स्टाइल में बात करते हैं। यशदीप अपने फ़ोन की रिंगटोन को जो दोस्ती पर थी सुनाता है, अच्छा लगा। बीजी और विक्रम भी खुश। बीजी कहती हैं कि प्यार कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन दोस्ती नहीं, बहुत अच्छा लगा। यहाँ बीजी फिर पुरानी वाली बीजी बन गई। उधर अनुपमा कपाड़िया हाउस में आती है और हमारे कपाड़िया जी बहुत परेशान, बेचैन, चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। अनुज की सोच रिंग पर आकर रुक गई है और अनुपमा कहती है कि अनुज से क्या बात है। अनुज अनुपमा के पूछने पर दुविधा में बड़े अटपटे जवाब देता है, लेकिन अनुपमा उसको कहती है कि जो कहना है कह दीजिए। तब अनुज उससे कहता है कि तुमने मिस्टर ढिल्लो के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया क्या, और कहता है मुझे मिस्टर ढिल्लो ने खुद बताया है, मैंने कोई इंक्वायरी नहीं की है। लेकिन अनुज के चेहरे की चिंता अनुपमा को दिख रही थी। अनुपमा अपने अनुज को बहुत अच्छी तरह से जानती है। एक बार अनुपमा ने कहा भी था कि अनुज अपने बारे में इतना नहीं जानते कि जितना मैं जानती हूँ। अनुपमा का जवाब कि मैंने ज़िंदगी में बहुत रिश्ते बना लिए, जितने भी रिश्ते बनाने थे बना लिए, अब सिर्फ दोस्त बनाने हैं। और अनुपमा के मुड़ते ही हमारे भोलूराम खुश, ऐसे जैसे कहीं से खजाना मिल गया हो। आज अनुज एक छोटे बच्चे की तरह लग रहा था, वो अनुपमा का साथ किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहता। अनुज ऐसे लेते हैं डिसीज़न,
बिल्कुल क्वाइट एंड क्लियर, ताकि किसी दूसरे को गलत फहमी ना रहे। अनुपमा आध्या के कमरे में दवाई लेकर जाती है और देखती है कि छोटी के पेट में दर्द है, और माँ अपनी बेटी का दर्द समझ जाती है। बहुत अच्छे तरीके से छोटी को समझाती है अनुपमा। लड़की के शरीर में आने वाले बदलाव, उसकी परेशानी के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताती है। माँ बेटी की बहुत खूबसूरत बातचीत लड़की के जीवन के बदलाव पर होती है। अनुपमा आध्या को गोद में लेकर उसके डाउट्स क्लियर करती है, और आध्या भी बिल्कुल मासूम बच्ची की तरह अनुपमा से लिपट जाती है। वो अपने आप को कंफर्ट जोन में फील करती है, और अनुपमा लोरी गाकर आध्या को सुलाती है। लेकिन उधर श्रुति परेशान, कल क्या हो पता नहीं, लेकिन माँ बेटी का ये बातचीत का अंदाज बहुत अच्छा लगा कि आध्या एक कदम और अनुपमा की तरफ आ रही है। प्रीकैब बहुत दुख देने वाला था, पता नहीं ये सपना है या सच। अगर सपना है तो ठीक, लेकिन अगर ये सच है तो ये सब तोशु की करामात ही होगी। मुसीबत में हमने देखा कि मुसीबत में यशदीप भी अनुपमा पर चिल्ला रहा है, यानी दुख पड़ने पे दोस्ती भी साथ छोड़ने लगी क्या? अनुज शायद अब सामने आए, पता नहीं अनुपमा पर इतने दुख क्यों आ रहे हैं। अब अनुज को सामने अनुपमा की मदद में आना चाहिए, अनुज को दिखाना चाहिए कि वह पति के रूप में ना सही, लेकिन दोस्त के रूप में अनुपमा के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम। थैंक यू सो मच रेखा जी, बहुत बढ़िया ऑडियो। और ये बात तो बहुत सही है कि अनुपमा ने कही भी है कि इतना अनुज जो है अपने बारे में नहीं जानता जितना मैं जानती हूँ, और ये बात प्रूव होती है, क्योंकि अनुपमा को समझ आ जाता है कि अनुज क्या कहने वाला है, कब झूठ बोल रहा है, कब फंस रहा है, कब क्या कह रहा है, प्यार करता है श्रुति को नहीं करता, उसको सब पता है। बट अनुज को खुद भी तो कुछ करना पड़ेगा, इसी बात का इंतजार अनुपमा कर रही है। तो बहुत बढ़िया ऑडियो, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। आज अनुपमा ने मीडिया वालों को जो भी जवाब दिए बहुत अच्छे दिए, बहुत अच्छे से समझाया कि शादी तलाक ये सब ज़रूरी नहीं है, कि कैसे हुए क्यों हुए, औरत को अपने लिए भी जीना चाहिए, अकेली औरत भी बहुत कुछ कर सकती है। उसमें सबसे ज़्यादा बात ये भी अच्छी लगी कि बड़े प्यार से उसने अनुज की बात भी रखी मीडिया के सामने। उधर वनराज तो बिना सोचे समझे सिर्फ अनुपमा पर उंगली ही उठाता रहता है, इसके अंदर इतनी ईगो है कि इसको अपने अलावा कोई और इंसान अच्छा लगता ही नहीं है। उधर अनुपमा को देखो वनराज, उसने कभी तुम्हारे परिवार को नीचा नहीं दिखाया, हमेशा अपने परिवार की तारीफ ही की है सबके सामने, बट तुम क्या ही समझोगे वनराज शाह। आज बा और बापूजी का सीन देखा तो बा फिर से शुरू हो गई कि अनुपमा को जहाँ होना चाहिए, मुझसे जो अकेले से काम नहीं होते। बट आज बापूजी ने लीला को बहुत अच्छे से समझाया और वो समझ भी गई। फिर पाखी का आकर जेलस करना कि टीटू और डिम्पी की शादी हो रही है और सब उसमें इतने खुश क्यों हैं। फिर उसने अपनी बात छेड़ दी कि मेरा भी अधिक के साथ केस चल रहा है, उस पर भी ध्यान दो। उससे ये सब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, वो भी अपने पापा की तरह किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने तो ये भी सुना है कि टीटू का कोई राज होगा जो वनराज को पता चल जाएगा, और शायद डिम्पी को भी कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा टीटू के बारे में, तब वनराज को मौका मिल जाएगा कि ये शादी कैसे रोकी जाए। आगे देखते हैं किस तरह ये सिचुएशन हल होती है। आज अनुज को देखा तो वो बहुत परेशान था कि अनु ने क्या कहा होगा। तभी अनुपमा वहाँ आती है तो वो पहले तो पूछती है कि आप सोए नहीं, तो अनुज का बर्ताव देखा तो वो समझ गई कि ज़रूर कोई बात है जो मेरे अनुज बहुत परेशान हो रहे हैं। ये देख कर अनु का कहना कि बताइए क्या बात है, तब बातों ही बातों में अनुज कह देता है और उसके मुंह से निकल ही जाता है कि तुमने कहीं दीपू को हाँ तो नहीं कर दी। उस पर अनुपमा का जवाब मिला अनुज की, अब मैं सिर्फ दोस्त बनाना चाहती हूँ, उसके ऊपर कुछ नहीं। अनुज की जान में जान आ गई ये सुनकर,
तब उसी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यही तो वो सुनना चाहता था। कब से वो बेचैन हो रहा था कि अनुपमा कब आए और मुझे कुछ बताए। फिर अनुपमा पेस्ट्री लेकर चली जाती है जो अनुज ने बनाई होती है। अब अनुज मुझे लगता है कि अनुपमा को पहले से भी ज़्यादा मोहब्बत करने लगा है। वो एक पल भी अनुपमा के बिना नहीं रह सकता। आज माँ बेटी की बातें सुनी बहुत अच्छी लगी। दोनों का साथ देकर बहुत अच्छे लगे दोनों। आद्या को अनुपमा ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, ये तो ईश्वर का वरदान है। पहले तो जब अनुपमा समझा रही थी तो उसमें अनुपमा ने पाखी का जिक्र किया तो पाखी की बात सुनकर आद्या चिढ़ गई। बाद में फिर से उसे अपनी माँ की याद आई। जब दर्द हुआ तो कैसे उसने अनुपमा की गोद में सर रखकर वो सो गई। उस पर जो अनुपमा ने लोरी गाकर अपनी बेबली को सुलाया, बहुत अच्छा लगा। आद्या का आज पाखी की बात से चिढ़ना, वो नहीं चाहती कि मम्मी मेरे अलावा किसी और को प्यार करे। वो अपनी मम्मी को सिर्फ अपने पास ही रहने देना चाहती है। अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि आद्या को एहसास होने लगेगा कि माँ क्या होती है और कैसी होती है। श्रुति को भी उधर जेलसी हो रही थी इन दोनों की। जब अनुपमा लोरी गा रही थी उसका बस चलता तो वो उठकर बिस्तर से आद्या के कमरे में आ जाती। आज जितना एपिसोड अच्छा गया उतना ही प्रीकैप परेशान और हैरान कर गया। एक बात बोलूं तो पहले अनुज ने भी गलती की इस तोशु को नौकरी देकर, अब अनुपमा ने भी गलती कर दी इसे नौकरी पर रखकर। अनुपमा ने चाहे एक मौका दिया कि शायद सुधर जाए, बट कोई फ़ायदा नहीं। अनुपमा, आज भी उसी बेटे ने फिर से तुम्हारे सपनों पर पानी फेर दिया जो तुम्हें अपनी मेहनत से कमाए थे। प्रीका में देखा तो अपडेट में भी बता रहे हैं कि तोशु रेस्टोरेंट में होता है तो वहाँ पर केंजल और परी भी आ जाते हैं। तो तोशु को नहीं पता होता कि वो वहाँ पर है तो वो ऑर्डर लेने आ जाता है। जब परी और केंजल उसे देखते हैं तो वो चौंक जाता है। बाद में अनुपमा आकर उन दोनों से बात करती है, परी और केंजल से। तो दूसरी तरफ तोशु से कस्टमर पर पानी गिर जाता है तो कस्टमर बहुत बेइज्जती करता है तोशु की। और अनुपमा आकर उससे माफ़ी मांगती है कस्टमर से कि आप प्लीज़ बुरा मत मानिए। तो वो कहती है कि आपने कैसे वेटर रखा हुआ है जिसे काम ही नहीं करना आता। मुझे लगता है कि तोशु ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपनी माँ के साथ ऐसा किया है, जो कि कस्टमर ने उसकी सबके सामने बेइज्जती की थी और वो अपनी माँ की भी बेइज्जती इसलिए करवाना चाहता है सबके सामने क्योंकि उसने उसे वेटर की नौकरी दी है। जब ये सब किया कराया तोशु का ही है, सब साफ पता चल रहा है। उधर आज मैंने प्रीका में दीपू जी को भी अनुपमा पर बरसते हुए देखा। आगे देखते हैं कि ये कहानी किस तरफ जाती है, फिर बात करेंगे। बस थैंक यू अंजू मैम। थैंक यू सो मच कुसुम जी। पाखी तो सच में जेलसी की दुकान है। उसके अंदर अगर कोई एक्सप्रेशन एक है वो है जेलसी। पहले वाली पाखी जो तो नाक फुला फुला के जेलसी दिखाती थी, ये वाली पाखी जो है अपने दांत दिखा दिखा के जेलसी दिखाती है। तो पाखी का करेक्टर तो वैसा ही है, और ज्यादा बिगड़ गया है। तो पाखी तो भाई सच में अपने पापा की ही बेटी है, सही कहा आपने। और बाकी तो आपका ऑडियो अच्छा है। थैंक यू सो मच कुसुम जी। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, नमस्ते। अभिता दीदी मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक है? आपका तबीयत ठीक है ना? और प्याति दीदी आप भी ठीक है ना? और आज का एपिसोड देखा, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा देखकर, बहुत अच्छा लगा देखकर। और तो और आज देखकर ये अच्छा लगा कि वो इंटरव्यू में सबका नाम लेती है, स्पाइसी चटनी के स्टाफ्स का और अनुज का और बा का और स्पेशली बापू जी का सबका नाम लेती है कि बहुत अच्छा लगा सुनकर। दोनों एक्स परिवार को सपोर्ट पार्ट दी, ये बहुत बड़ी बात है, हर कोई नहीं दे सकता, लेकिन अनुपमा ने दिया, वो सबसे अच्छा लगा देखकर। और स्पेशली आज जो पीरियड का जो बात आया, जो हम लोग बोलते हैं कि बेटियाँ जब होती हैं फर्स्ट टाइम तो उन्हें कोई सपोर्ट पार्ट देने वाला होना चाहिए। जब मैं हुई थी पीरियड फर्स्ट टाइम, तो मेरे पीठ में भी और पेट में भी इतना ही पेन हुआ था जितना पेन होना चाहिए था, एक्सेस हुआ था। उस समय नानी जी ने मेरे को गर्म पानी का थैली और प्लस टॉफ योगा बाम लगाया था पेट और पीठ के पास में कि उसको रिलैक्स लगे। हाँ, पेन किलर उन्होंने नहीं दिया था, बोला कि पेन किलर और जो भी मांगोगे उसको नहीं दूंगा, नहीं दूंगी मैं, क्योंकि इसमें
आज एक और बात ऐड करना चाहती हूँ कि बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि जब पीरियड होता है फर्स्ट टाइम या अभी भी होता है, उतना समझ नहीं आता है कि ठीक है हो गया सो हो गया, लेकिन जब फर्स्ट टाइम जब हुआ था दर्द के टाइम, सिर्फ नानी जी ने नमक और अजवाइन, वो भी गर्म पानी के साथ नहीं ठंडा पानी के साथ दी, बोला पी लो, पेट में ठंडक भी रहेगा और आराम भी मिलेगा। तो उनका टेक्निक बता रही हूँ, मेरा टेक्निक नहीं है, और रियलिटी में मैम बहुत रिलैक्स लगता है। और दोनों माँ बेटी का इतना मेच्योर, लास्ट में बोलती कि ये चीज़ तो मुझे शू भी समझा सकती है, वो शू के पास जाने लगी तो हे माँ बोलकर, तो ये बात तो उसको समझ में आई गई और धीरे धीरे वो अपनी माँ के करीब आती जा रही है। बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली जब अनुज का हक ला के बोलना, बहुत अच्छा इंटरव्यू था अनुपमा, और बहुत अच्छी चीज़ से हुआ अनुपमा करके, मतलब बार बार अनु अनु करके बात कर रहा है और डर भी रहा है। डर रहा था बोलते बोलते डर रहा था, लास्ट में अनुभव बोली क्या बात है, जो बात है आपके मन में वो बोल दीजिए। तो उन्होंने उसके मन में जो बात आई कि इतना समझने के बाद, इतना करने के बाद सब कुछ संभालना और करना, करने के बाद बहुत अच्छा लगा। देखिए मतलब कभी कभी बोलते हैं ना कि अपने आप को काबिल करना, काबिल करना बहुत बड़ी बात होती है। और फिर वो इतना अच्छा से खुश होना भोलू राम का कि चलो दोस्ती रखनी है उसके आगे और कुछ नहीं रखनी है, तो सबसे बेनिफिटिंग बहुत मज़ा आया देखकर कि उसके मन में ये चीज़ था। अब आगे का एपिसोड जो देखा कि सोमवार से जो एपिसोड दिखाने जा रहा है कि उस पर ब्लेम लग रहा है कि कुछ तो गलती की है, कुछ नहीं गलती करी है, वो नहीं समझ में आ रहा हम लोग को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैम उसने कुछ गलती की है, या तो पारितोष टेंशन लगाया है। और मेरे को 199% श्योर है कि पारितोष बोल सकता है, लेकिन श्रुति पर मुझे 99% श्योरिटीज़ है, क्योंकि वो फोटोग्राफर्स के साथ फोटोशूट में साथ में रहती है, तो इससे बड़ा और कोई बात हो ही नहीं सकता। शायद वो फ़ोन कॉन्ट्रैक्ट से बात कंप्लीट कराए कि ऐसा ऐसा हुआ है, वो इस तरह जीती है, कहीं अनुज का नाम लगा दे कि अनुज की करेंसी से जीती है, उस वजह से हो सकता है, क्योंकि वो कपाड़ियाज बनने वाली है। और अब चाहे अब यही उसका फ़ायदा होगा कि मैं भी उनकी करंट वाइफ होने वाली वाइफ हूँ, तो शायद ऐसा कुछ हुआ है। आई एम 199% श्योर मैम पारितोष शायद मिल के श्रुति के साथ कर सकता है। गॉड ब्लेस यू अनुपमा कि इस जंजाल से बाहर निकलो, और इस बार तो मैं श्योर बोल रही हूँ कि इस बार आध्या अपने पापा को भेजेगी कि पापा प्लीज़ जाइए, और अगर आध्या भेजेगी तो वो पक्का जाएगा अपनी बेटी का है, अपनी बेटी का बात का मान रख कर कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। गॉड प्लीज़ अब मेरी प्यारी सी आध्या को पॉजिटिव वे में बचाए और जाके अनुपमा का साथ दे, अनुपमा के लिए स्टैंड ले, वही चाहते हैं। अब बहुत नेगेटिव हो चुकी है आध्या, प्लीज़ पॉजिटिव दिखा दे, और अब शुरुआत भी हो चुका है। थैंक यू अंजू दीदी, आई मोस्ट लव यू। सही कहा महिमा आपने कि जो भी हम प्री कैप में देख रहे हैं उसमें कम से कम अनुपमा की तो कोई गलती नहीं है, ये तो पक्की बात है, क्योंकि अनुपमा को फंसाया गया है। अब फंसाने वाले में अगर नंबर वन पे आता है आपके हिसाब से श्रुति, पर मेरे हिसाब से तोशु आता है। अगर श्रुति होती है तो बात ही फिर बाजी ही उल्टी हो जाएगी, क्योंकि फिर तो श्रुति की एग्जिट भी पक्की हो जाएगी। अगर श्रुति होती है वो भी ठीक है। तो बढ़िया रिव्यू आपका, और ध्यान रखिए अपनी सेहत का। थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज आपके HS कम्युनिटी के अनुपमा धारावाहिक के बारे में। आप सबको जो इन रिव्यूज को सुनते हैं कैसे लगे जरूर कमेंट कीजिएगा, और बताइएगा हमारी बहनों को कि वो कैसा रिव्यू देती हैं। और आपका भी मन हो भेजने का HS कम्युनिटी में रिव्यूज, तो आप भी भेज सकते हैं, HS कम्युनिटी का मेंबर बनिए और फिर इस नंबर पे रिव्यूज भेजिए। नंबर है 9833135523, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.